हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो उन सारे एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एमबीए परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम सिम्बायोसिस, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है एसआईबीएम पुणे जो उनका फ्लैगशिप कैंपस है। स्नैप के थ्रू वो इस कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हैं। गाइस एक चीज़ आपको हमेशा से मोटिवेट करती है किसी भी कॉलेज को चुनने के लिए, वो होती है उसका प्लेसमेंट्स। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली देखते ही देखते हो, फैकल्टीज कैसे हैं वो भी आप देखते हो, फीस स्ट्रक्चर आपको क्या भरनी पड़ेगी 2 साल के लिए वो सारी चीज़ें आप काउंट करते हो। बट एट द एंड ऑफ योर 2 ईयर्स ऑफ प्रोग्राम सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका प्लेसमेंट्स, कि आपको कैसे प्लेसमेंट्स मिलते हैं और कैसे कंपनीज में आपको रिक्रूटमेंट मिलती है, कैसे रिक्रूटर्स आते हैं उस कॉलेज में, कैसा अलुमनाई नेटवर्क है उस कॉलेज का। तो ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं किसी भी कॉलेज को चुनने के लिए। सो अगर आप एक एस्पिरेंट हो, एसआईबीएम पुणे टारगेट कर रहे हो, स्नैप का एग्जाम लिखने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम इनके प्लेसमेंट्स को देखने वाले हैं, जो इनका लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैट्स आउट हुआ है, पब्लिश हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, विच इज़ SIBM.edu। यहाँ पर आने के बाद आपको होम पेज पर प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर एमबीए पर क्लिक करना है। तो आप पहले बात इनका एमबीए के बारे में पढ़ सकते हो कि यहाँ पर आप कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलने वाली है। मार्केटिंग हो गया आपका, ह्यूमन रिसोर्स अगर आप एचआर में इंक्लाइंड हो तो, फाइनेंस हो गया अगर आप फाइनेंस की तरफ इंक्लाइंड हो, ऑपरेशंस में अगर जाना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स, तो ये सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं। 2 साल का ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट आज हम बात करने वाले हैं इसके प्लेसमेंट्स पर। तो आपको यहाँ पर रिक्रूटर्स वाले टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्लेसमेंट्स रिपोर्ट्स पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि थोड़े टाइम पहले तक इनकी प्लेसमेंट्स रिपोर्ट्स में सिर्फ 2022 का डेटा था, बट अब 2023 का भी डेटा आउट हो चुका है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे व्यू रिपोर्ट्स पर, तो हमारे सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। अब यह है कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम विच इज ऑल्सो नोन एज CRP 2023। स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, तो सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग कंपनीज को देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था रिक्रूटमेंट में। तो आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक्सेंचर हो गया, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, आदित्य कैपिटल, एयर इंडिया, एयरटेल, अमेजॉन, MIT यूनिवर्सिटी, एशियन पेंट्स, कैस्ट्रॉल, सिप्ला, कॉग्निजेंट, डेलीवरी, डेलॉइट, डिजर्व, डॉक्टर रेड्डीज, एक्साइट, फिट जी, आप जो भी नाम बोलो सारे बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट की लिस्ट में, पार्टिसिपेटिंग कंपनीज की लिस्ट में। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप SIBM पुणे को टारगेट कर रहे हो तो आप फ्यूचर में इन सारी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो। स्क्रोल डाउन और करेंगे तो बैच प्रोफाइल की तरफ देख लेते हैं। एवरेज एज जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनकी थी 25 ईयर्स। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर था 17 मंथ्स का, जिनमें से 33% फीमेल स्टूडेंट्स थे। तो काफ़ी अच्छा रेशियो देखने को मिला है कि फीमेल स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर रिक्रूटमेंट में पार्ट लिया हुआ है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो 37% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो IT कंसल्टिंग बैकग्राउंड से थे, 21% अदर बैकग्राउंड से थे, 17% ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से थे, ई कॉमर्स से 7% थे, BFSI से 7%, हेल्थ केयर से 5% और FMCG 6%। प्रोफेशनल अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो जिनके पास 1 से 12 महीनों का वर्क एक्सपीरियंस था ऐसे थे 11% ऑफ स्टूडेंट्स, 25 से लेकर 36 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस ऐसे थे 27%, फ्रेशर 32%। तो यहाँ पर फ्रेशर्स ने डोमिनेट किया हुआ है। 13 to 12 मंथ्स जिनका वर्क एक्सपीरियंस था वो थे 22%, और 36+ मंथ्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था वो थे 8%। एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग एंड साइंस से 69%, तो यहाँ पर ज़्यादा कैटेगरी इंजीनियरिंग एंड साइंस से देखने को मिली है। 10% अदर बैकग्राउंड से थे एंड मैनेजमेंट एंड कॉमर्स वाले 21% थे। अगर हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ड्राइव करेगी इस कॉलेज को चुनने के लिए वो है इसकी प्लेसमेंट्स हाईलाइट्स। लास्ट ईयर था कि इसका प्लेसमेंट था 35 लैक्स पर एनम के आसपास का, बट अब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीप जंप देखने को आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस साल का जो प्लेसमेंट है 2023 का, उसका हाईएस्ट CTC जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 49 लैक्स पर एनम का। तो बहुत बड़ी जंप है। लास्ट ईयर का हमने वीडियो भी बनाया था जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट थी 35.5 LPA, और ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर 14 लैक्स का जंप आपको देखने को मिलने वाला है। मीडियम CTC
25 लाख की और एवरेज 28.16, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स बहुत मैटर करते हैं कंपेयर टू या फी स्ट्रक्चर। एक बार इनकी फी स्ट्रक्चर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना कि आप कितनी फी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कितना रिटर्न्स ऑफ इन कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने वाले हो। रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो लेगेसी रिक्रूटर्स थे 48, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स जिनको मिला था 96 और न्यू रिक्रूटर्स 55 थे। जेंडर वाइज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ इसको तो 29.19% यहाँ पर फीमेल्स थी, तो फीमेल्स का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोलवाला था, और 27.65% यहाँ पर मेल्स थे, तो काफ़ी अच्छा रेशियो देखने को मिल रहा है। और सेक्टर वाइज ऑफर की अगर मैं बात करूँ तो आईटी कॉमर्स से 21% थे, बीएफएसआई से 23, अदर्स 12%, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल से 5%, एफएमसीजी से 18%, मीडिया टेली कम्युनिकेशन से 3%, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग से 13% और कंसल्टिंग से 5%। टॉप 10 बच्चों को मिला था बैच के 37.53 लैक्स पर एनम का पैकेज, टॉप 25 बच्चों को मिला था 35.14 लैक्स पर एनम का, और टॉप 50 बच्चों को मिला था 31.63। तो अगर आप टॉप 10, 25 या 50 में भी आ जाते हो गारंटीड यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न्स लेकर जाओगे। एंड इफ यू फर्दर स्क्रॉल डाउन तो यहाँ बहुत सारी आप चीज़ें पढ़ भी सकते हो। फाइनेंस सेक्टर से एवरेज सीटीसी था 25.52 एलपीए का, और ये सारे रिक्रूटर्स थे फाइनेंस से। ह्यूमन रिसोर्स से 27.14 एलपीए का एवरेज सीटीसी, और ये सारे रिक्रूटर्स थे। स्क्रॉल डाउन करोगे मार्केटिंग से 28.74 एलपीए का एवरेज सीटीसी था, और ये सारे रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड सेम गोज़ विथ ऑपरेशंस 30.55, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑपरेशन से प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है 30.55 का, एंड ये सारे रिक्रूटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे डेटा को आप गो थ्रू कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, पूरा का पूरा प्लेसमेंट डेटा आपको मिल जाएगा, और इसी को अपना मोटिवेशन बनाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्नैप आने ही वाला है, अपकमिंग एग्जाम है, तो अगर आप स्नैप सिम्बॉयसिस की तरफ इंक्लाइंड हो, SIPM पुणे जाना आपका टारगेट है, तो इन प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को अपना मोटिवेशन बनाओ और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन स्टार्ट अगर आपको करनी है, वी हैव लॉन्च द पैचेस। पैचेस की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एनरोल होकर इस ड्रीम पैकेज को अचीव कर लो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट ये चीज़ उन्हें भी मोटिवेट करे, अगर वो स्नैप लिखने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।